भाई भी खाना होगा हाँ क्या पूरा कब्रिस्तान है और यहाँ पर कचरा फेंका गया गंदगी कचरा फेंका जा रहा है पुराने पुराने कदीम खबर वो लोग आए उठाते साफ करते बोले कोई भी खाली कल आए पांच औरतें आए ऐसे गाड़ियां ले जाकर उधर कोने में रख यहाँ तो आई चलेगा इधर आई छ रही ये हमारे को कम से कम इजाजत दी है तो हम लोग तो भी करा लेते ना सा अच्छा फिर हम लोग आज जो है ना कुछ करेंगे बोले तो अगर हम लोग कुछ करेंगे बोले तो हमारे को इजाजत दी पुलिस में जाके यहाँ के लोग बोल दे रहे ये लोग जो है ना मैं इसके अंदर सफाई कर रहे कौन बोले बोल जाके ये सामने वाले मैं क्या करा कब्रिस्तान में अंदर आ रहे को डोला नहीं आ रहा है उधर जब ये लगा लगा दिया छोटी गेट वहाँ से इधर आना साहब अंदर रास्ते ही नहीं है अंदर आने को तो हर जो है ना महीना 15 दिन को नहीं दो आदमियों को लेके आके रास्ता बना ले नहीं तो जो है फूला चढ़ाने को नहीं हो रहा तो क्या कर रहे मालूम है बच्चे दीवारों पे से कूद के आके खबरों पे ऐसा डाल रहे ठीक रहे तो अब उसके बाद जो है ना अब आता हूँ भाई 8 दिन 15-20 दिन को आते रहता हूँ साहब भाई अब क्या है मालूम है आने को रास्ते नहीं है अब देखो आप कितना यहाँ से ये तमाम खबर भर गए कितना कचरा रहा होगा 40 तो भिजा दिया था वो गाड़ी में डला के भिजा रहा वो लोग बोले हम नहीं उठाते ऐसा आप भर के रखो हम लोग लेके जाते फिर आज लेके आया 40 पहले ये आपकी जाती तौर पे कर ले रहे हैं अभी हाँ साहब कोई कोई मदद करने वाला चाहते मैं क्या करा इधर से अब ये हिस्से में एक रास्ता तो बना ले गया इधर आने को बहुत तकलीफ हो रही है बोल के क्या करा मालूम है 4 थैले लेके आके गेट लेके आया लगा देगा बोल के यहाँ के लोग क्या करे मालूम है जाके पुलिस में शिकायत कर दिए कौन से पुलिस में ये छतरी क्या बोले लोग आप नहीं लगाना कौन बोल रहे छतरी नाके में ये लोग जाके बोले इतराज कर रहे वो लगा आप लोग बात लगा मैं बोला भाई घर नहीं बना रहे हम शेड नहीं बना रहे मलगी नहीं बना रहे खाली रास्ता टोला जाने के वास्ते उधर से तो जाने को रास्ता नहीं है इस वास्ते कोई भी नहीं आ रहा तो आप छतरी नाका सी आई छतरी उनसे मुलाकात हुई कई वक्त बोले उन्होंने बोले गया अंदर जाने के बाद भी उन्होंने बोले नहीं अभी तो जो है वो जुलूस निकलने वाला है 1-8 दिन के बाद उसके बाद हम इजाजत देते बोला इजाजत दिए नहीं कुछ जिलानी साहब से मुलाकात हुई आपकी नहीं हुई मेरी पहले के पहले सर्कल आते वो लोग तो मिलना था जाके जिलानी साहब से अभी तो काम नहीं करा क्या कचरे का है ये अभी कराए भी नहीं साफ साफ भी कराए तो आप लोग आए साफ कराने से वो दूसरों को क्या तकलीफ है हाँ ये पूछते हैं हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे राजा आप कब्रिस्तान में साफ करा रहे ना बस वही फिर और कुछ छोड़ देना अब आप देख लिया ना साहब ये दीवार देख रहे हैं पूरा बीर शाप के शराब के बाटला कितने साल पुरानी है वही 400 साल पुराने मस्जिद है ये हाँ मस्जिद है कब्रिस्तानों में पहले बस्तियां थे पूरे अपने इसमें आके देख इसमें
बुरा मस्जिद का हाल है और यहाँ पर गंदगी फेंकी गई है, कुछ उतारे भी दिख रहे हैं, उतारे वगैरह फेंके हुए नारियल है। यहाँ देखिए ये उतारे हंडिया हैं, अफसोस की बात है बहुत। इतनी खूबसूरत मस्जिद है और इसका ये हाल है। इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड की लापरवाही और हम मुसलमानों की लापरवाही है जो ये हाल हो गया मस्जिद का। आप देख सकते हैं इस वीडियो की तरह। ओ 400 नहीं 400 500 साल पुरानी मस्जिद है। 50 साल 55 साल के हुए तो पहले से जो 400